ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ। आज इस वीडियो में सावन माह 2021 में कब से आरंभ हो रहा है, कितने सोमवार इस माह पड़ेंगे और साथ ही क्या नियम हैं, क्या व्रत के नियम हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। जैसा कि विशेष रूप से यह माह महत्वपूर्ण रखता है शिव भक्तों के लिए, बारिश का मौसम आरंभ होते ही भक्तों के मन में शिव भक्ति की भावनाएं हिलोरे मारने लग जाती हैं और सभी लोग सावन का इंतजार करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर का यह पांचवा महीना माना जाता है। सोमवार इस बार 25 जुलाई से शुरू होगा और 22 अगस्त को इसका समापन होगा। इस बार कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पौराणिक काल से ही सोमवार सावन के विशेष रूप से यह महीना महत्वपूर्ण रखता है शिव जी की आराधना पूजा के लिए। यह माह बेहद उत्तम माना जाता है शिव प्रार्थना के लिए, शिव भक्ति के लिए। वहीं हर सोमवार को शिव भक्त भगवान शिव का व्रत करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भोले बाबा सर्वाधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसी कारण से कांवड़िए कांवड़ लेकर चलते हैं और गंगा जल भरकर शिव जी की जलाभिषेक करते हैं। अब जब सोमवार हो रहे हों और किसी भी कामना की पूर्ति से व्रत किए जाएं तो वह अवश्य पूर्ण होते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार को भक्तजन व्रत करके शिव जी की को जल से अभिषेक कराते हैं और भांग धतूरा और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करते हैं। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और वहीं कन्या कुवारियां अपने पति की अच्छे पति की कामना के लिए इन व्रतों को करती हैं। इस वर्ष 2021 में 25 जुलाई के दिन से सोमवार आरंभ हो जाएगा, रविवार रहेगा उस दिन। सावन का पहला जो सोमवार है वह 26 जुलाई 2021 के दिन पड़ेगा। सोमवार का सावन का प्रथम सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार 2 अगस्त 2021 को पड़ने जा रहा है। वहीं व्रत का सोमवार तीसरा 9 अगस्त 2021 को पड़ेगा। चौथा वाला जो सोमवार है अंतिम सोमवार होगा, 4 सोमवार रहेंगे सावन का, वह 16 अगस्त 2021 के दिन पड़ेगा। इन 4 दिनों में महिलाएं व्रत करेंगी। विशेष रूप से व्रत करते हैं जो जन, जो नहीं भी कर पाते वह भगवान शिव की उपासना अवश्य करते हैं सोमवार के दिन। सोमवार को सुबह जल्दी उठें और स्नान करके श्रद्धापूर्वक शिव की उपासना करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद शिव जी का पानी से, दूध से, शहद से, गंगा जल से और दही से अभिषेक करें। उसके बाद बेलपत्र, फूल, फल, भांग, धतूरा इत्यादि चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। प्रसाद और भोग अर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, शिव चालीसा का पाठ करें और शिव जी की आराधना करें और इस तरह से पूजा का समापन किया जाता है। जो भी भक्तजन किसी भी कामना से, भले ही वह संतान की कामना हो या अच्छे पति की कामना हो, कुवारी कन्याएं जो करती हैं या महिलाएं सुख समृद्धि पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं, भगवान शिव माता गौरी के आशीर्वाद से जरूर वह पूर्ण होती हैं। माँ गौरी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाना, भगवान शिव को बेलपत्र, भांग इत्यादि से पूजन करना बेहद फल देने वाला माना जाता है। समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पर भगवान शिव की कृपा हो। राधे राधे।